सात दिन पर्यंत भगवान ऐसे ही खड़े रहे। इंद्र के मेघ बरसात बरसाते रहे, पानी बरसाते रहे। कहते हैं इंद्र ने वहां से अपने सेवकों को, मेघों को टेलीफोन किया, लाइटनिंग कॉल, एंड देयर वाज लाइटनिंग इन स्काई। हेलो, मेघ बोले, जी महाराज। अरे क्या किया, ब्रज को डुबाया कि नहीं? मेघ बोले, महाराज यहां तो धूल उड़ रही है। बोले, हद हो गई, वहां ब्रज में धूल उड़ रही है? अरे तुम प्रलयकारी मेघ गण हो, नाक कट जाएगी, क्या कर रहे हो, बरसाओ, पानी बरसाओ। मेघ बोले, जी महाराज टंकी खाली हो गई, टंकी में पानी नहीं है। बोले, टंकी में पानी नहीं है तो फिर मोटर चालू करो, टंकी भरो। बोले, महाराज मोटर चालू नहीं हो सकती। क्यों? बिजली चली गई है। इंद्र बहुत क्रोधित हुआ, बिजली को भी इसी वक्त जाना था। अरे बिजली क्यों चली गई? तो बोले, महाराज हम पावर हाउस से कट गए हैं ना, इसलिए। जो अभिमान करता है ना, वो इस पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर कहां बिजली रहेगी, कहां शक्ति रहेगी, क्या काम कर पाएगा आदमी। इंद्र को अपना अज्ञान समझ में आया। ज्ञान को न समझो सही, पहले अज्ञान को तो समझ लो, अपने अज्ञान को तो देख लो, अपने अज्ञान को तो स्वीकार लो। और किसी ने कहा, ठीक कहा, कि जानने की सबसे पहली शर्त यही है कि पहले ये जान ले कि हम कुछ भी नहीं जानते। अपने अज्ञान को तो पहले जानो, अपने अज्ञान का तो स्वीकार करो, तो फिर ज्ञान की ओर प्रयाण कर सकते हो। सांवर तक मेघ गण वापस लौट गए, आसमान साफ हो गया, सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी में सब लोगों ने जय घोष किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, बदरी विशाल भगवान की जय। सब लोग बाहर निकले। अब बाहर निकले, जैसे तुम लोग अपने अपने कमरों से बाहर निकले ना सूरज की रोशनी में, उसी तरह। तब तक घर में हे बद्री विशाल, सुरक्षित घर पहुंचा लेता। और जब सूरज की रोशनी निकल आई तो फिर सब अपने अपने कमरे से बाहर निकले। सब लोग बाहर निकले तो भगवान ने गिरिराज को उसके स्थान पर रख दिया, और सब लोग कन्हैया के महिमा के गीत गाते हुए अपने अपने घरों की ओर चल दिए। नंद गांव के छोरे, कन्हैया के सखा, मूछों पर ताव देते हुए वो बरसाने वाली छोरियों से बोले, देखा हमारे लाला का चमत्कार, पूरे ब्रज की रक्षा करी। वाम कर कमल की कनिष्ठिका पर उठा लिया गिरिराज, इसको बोलते हैं पराक्रम। अरे ब्रजभान तो धन्य हो गए भैया, ऐसे हमारे लाला को यहां बसाई के। बरसाने की राधा जी की सखिया बोली, चुप भी करो, शक्ति किसी की और नाम खुद कमाना चाहते हो? अरे तुम्हारे कन्हैया ने गोवर्धन उठाया ये ठीक है, लेकिन वो शक्ति तो हमारी राधा रानी की थी। तो कन्हैया के सखा बोले, क्या कहा तुम लोगों ने? अरे तुम्हारी राधा रानी तो तुम सखियों के बीच में चुपचाप बैठी थी और कटाक्ष नयनों से हमारे कन्हैया की ओर देख रही थी, तुम्हारी राधा ने कहां उठाया? उठाया तो हमारे कन्हैया ने। बोले, हां दिखा तो यही कि तुम्हारे कन्हैया ने उठाया है, किंतु जिस शक्ति से तुम्हारे कन्हैया ने गोवर्धन उठाया वो शक्ति हमारी राधा रानी की थी। वो कैसे? बोले, कैसे क्या, बताओ तुम्हारे कन्हैया ने किस हाथ से गोवर्धन उठाया? बोले, बाएं हाथ से, सबको पता है। क्यों? बोले, हमारे लाला के लिए बाएं हाथ का वो खेल था। बोले, ना ना ना, ये बात नहीं है, हकीकत कुछ और है। बाएं हाथ से ही क्यों उठाया, दाएं हाथ से क्यों नहीं? क्योंकि बायां अंग जो है ना वो हमारी राधा रानी है।
तो हमारी राधा रानी की शक्ति ने ही श्री गोवर्धन उठाया, ये कह करके बरसाने वाली की जय करती करती बरसाने वाली सखिया राधा जी को लेकर बरसाने की ओर सब जगह आनंद आनंद आनंद। राधा जी की सखिया राधा जी की महिमा गा रही है, कृष्ण सखा कृष्ण महिमा का गान कर रहे हैं। सब जगह ब्रज में चर्चा चलने लगी, भैया मानो ना मानो लेकिन ये छोर आनंद का नहीं है। एक ने कही हमको तो पहले से ही पता था ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह कोई देव मनुष्य का रूप लेकर आया है हमारे बीच में। तीसरे ने कही भैया मुझे तो पहले से ही शंका आ रही थी कि नंद जी गोरे हैं यशोदा गोरी है और छोरा काला क्यों है, ये छोरा उनका नहीं हो सकता। तो कहा चलो चलो भैया नंद यशोदा से ही जाकर पूछते हैं। सब लोग गए नंद यशोदा के पास। नंद जी आप गांव के मुखिया है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं आपका आदर करते हैं, लेकिन सच बताइए हमको लगता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, सच सच बताइए ये छोरा किसका है, ये छोरा साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता, ये साधारण मनुष्य का कर्म नहीं है, ये अमानुष कर्म है सब, सच बताइए। किसी का उठा कर ले आए क्या, चोरी करके ले आए, मोल लिया है कि गोद लिया है, सच बताओ। सुनते यशोदा तो रो पड़ी, हाय हाय लोग क्या कह रहे, कह रहे ये छोरा मेरा नहीं। कन्हैया को अपनी गोदी में भर करके मैया ने तो लिपट गई और अश्रु से नहलाया कन्हैया को। कन्हैया सुन रहे थे। तो नंद बाबा यदि ये छोरा आपका है तो आप गोरे हैं यशोदा गोरी है, छोरा काला क्यों है। कन्हैया बोले भैया मुझसे पूछो, ऐसा हुआ अष्टमी की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अंधकार से भरी अंधियारी रात में हम जन्मे ना, माँ तो हमको जन्म दे के सोती रही, तो फिर हम अंधकार से लड़ने लग गए, ए बत्थम बत्था अंधकार के साथ, तो अंधकार हमसे लिपट गया, हम अंधकार से लिपट गए इसलिए काले हो गए। लोग हंसने लगे, ये भी कोई बात हुई। नंद जी ने कहा भैया छोरा हमारा है, हमने कुछ छुपाया नहीं है, यदि छुपाया है केवल इतना छुपाया है तो केवल इतना कि जब गर्गाचार्य नामकरण संस्कार के लिए आए थे तो हमने किसी गांव वालों को न्योता नहीं दिया था, चुपचाप गौशाला में जाकर के नामकरण संस्कार कर लिया था, किंतु यदि उस वक्त आप लोग वहां होते तो गर्गाचार्य ने जो कहा था वो आप लोग भी सुनते, और यदि सुनते तो आज ये प्रश्न न करते। गर्गाचार्य ने कहा था नंद बाबा आपका यह बालक प्रत्येक युग में अवतरित होता है, त्रेता में जब आता है तो शुक्लवर्ण का होता है, सत्ययुग में शुक्लवर्ण का होता है, त्रेता में रक्तवर्ण का, द्वापर में पीत, इदानीम कृष्णताम गतः, अब की बार ये काला बन करके आया है इसलिए इसका नाम है कृष्ण। पूर्व में भी अनेक बार दस्युओं से पीड़ित वसुंधरा पृथ्वी को तुम्हारे इस बालक ने बचाया है, दुष्टों का संहार किया है और सज्जनों की रक्षा किया है, धर्म संस्थापन किया है। नंद बाबा यह बालक कृपा करके तुम्हारे घर आया है, इसको संभालना, आप इसकी रक्षा करना, यह आपकी रक्षा करेगा। अनेन सर्वदुर्गाणी यूयमंजस्तरिष्यथ, इसकी आराधना करके आप अनेक संकटों से पार हो जाओगे। जब गर्गाचार्य महाराज ने कही हुई ये बात नंद जी ने सबको सुनाया तो सबको भरोसा हो गया कि वाकई वैकुंठ वाले नाथ हमको सनात करने के लिए यहां ब्रज में आए। अब तो इंद्र की अकल भी ठिकाने आई, अरे रे 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 मैंने ये क्या किया, जिस प्रभु की कृपा से मैं इस सिंहासन पर बैठा हूं इंद्रासन पर, उसी प्रभु को मैं पहचान नहीं पाया और मैं उनके साथ टकराया। शांतम पापम शांतम पापम, बड़ी गलती हो गई, अब जाकर भगवान को मुंह भी तो कैसे दिखाऊं। तब अचानक नारायण नारायण देवर्षि आ गए, इंद्र महाराज डुबा दिया ब्रज को। तो इंद्र कहे देवर्षि हम बड़े शर्मिंदा हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम प्रभु को पहचान न पाए। नारद जी बोले नारायण नारायण, गलती होती है, मानवों से भी होती है, दानवों से भी होती है और देवताओं से भी होती है, कोई बात नहीं, गलती की माफी मांग लेना चाहिए, भगवान उदार है, जाओ क्षमा मांग लो।
तो इंद्र बोले क्षमा कैसे मांगने जाऊं, उनको मुंह दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण एक उपाय है, तुम गाय को लेकर के जाओ, सुरभि को, और सुरभि गैया को देखकर वे प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि उनको गैया बड़ी प्यारी है, और जब वो प्रसन्न हो जाए तब जाकर के तुम चरण पकड़ लेना, माफी मांग लेना, सामने वाला जब प्रसन्न हो जाता है तब हम जो मांगते हैं हमको मिल जाता है। तो इंद्र सुरभि गाय को लेकर के ब्रज में आए हैं ऐरावत पर सवार होकर के, और जब भगवान गैया चरा रहे थे वृंदावन में, देखा इंद्र ने तो ऐरावत से नीचे कूदे, और फिर जिस रास्ते से होते हुए इंद्र प्रभु के पास पहुंचे हैं, आज भी ब्रज में जाइए ब्रजवासी उस रास्ते को दिखाते हैं, इस रास्ते इंद्र गए थे प्रभु की शरण में। जब सुरभि को देखा तो भगवान बड़े प्रसन्न, ए दाऊ दादा देखो तो वो गैया कितनी प्यारी है, दौड़कर सुरभि के पास गए, और भगवान जब सुरभि को लिपट गए सुरभि से और माथे पर हाथ फेरने लगे सुरभि के शरीर पर, सुरभि इतनी प्रसन्न प्रभु के स्पर्श को पा करके कि उसके थन से दूध की धारा बहने लग गई। कन्हैया बड़े प्रसन्न ये देखकर इंद्र दौड़ कर आए, प्रभु के चरणों में दंडवत किए, पकड़ लिए चरण और स्तुति किए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोयं गुणसंप्रवाहो मायामयोयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः विशुद्ध सत्त्वं तव धाम शान्तम् विशुद्ध सत्त्वं तम विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। ये है भागवत, किसी भी राग में गाओ, भागवत के श्लोकों का गान करो। कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावा लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथा विदंडम भगवान विभर्ति तथा विदंडम भगवान विभर्ति तथा विदंडम भगवान विभर्ति तथा पितण्डं भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय Thank you.
पिता कुरुस्त्वं जगतां अधीशो पिता गुरुस्त्वं जगतां अधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दण्डः दुरत्ययः काल उपात्त दण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वै जगदीश मानिनां मानं विधुन्वै जगदीश मानिनां विशुद्ध सर्वंतर्धान सांगं विशुद्ध सर्वंतर्धान सांगं विशुद्ध सर्वंतर्धान विशुद्ध सत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं शान्तं इंद्र महाराज ने भगवान की स्तुति करी क्षमा मांगी प्रभु आपकी कृपा से मैं इंद्रासन पर बैठा हूं और मैं आपको पहचान नहीं पाया मेरे अपराध को क्षमा करें भगवान ने कहा इंद्र जाओ मेरे अनुशासन में रह करके मेरी आज्ञा में रह करके तुम शासन करो तुम्हें जो गर्व हो गया था ना उसके भंग के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ का भंग कराया तम भ्रमशयामि संपद्भ्यो यस्य चिच्छाम्यनुग्रहम् मैं जब अपने आश्रितों को देखता हूं कभी अभिमान करते कभी ईर्ष्या करते गलत मार्ग पर जाते तो उनके अभिमान को दूर करने के लिए मैं कभी कभी उन्हें उनकी सत्ता उनकी संपत्ति उनके पद उनकी प्रतिष्ठा से भ्रष्ट कर देता हूं उसको अलग कर देता हूं जाओ अभिमान न करो मेरी आज्ञा में रह करके शासन करो सुर भी आई आगे दूध की धारा बहती ही चली जा रही थी बस रुक ही नहीं रही थी कहा है नाथ आप नाथ से ही मैं सनात हूं और मैं अपने दूध से आपका अभिषेक करना चाहती हूं सुरभि ने श्री कृष्ण पर अपने दूध का अभिषेक किया उस दूध से जो तीर्थ बना वो गोविंद कुंड कहलाया उस वक्त भगवान का नाम पड़ा गोविंद ऐरावत हाथी भी साथ आया था इंद्र की कौन कहे इंद्र के साथ आई हुई सुरभि और ऐरावत भी भगवान की पूजा करने लगे ऐरावत ने कहा प्रभु मैं भी आपका अभिषेक करूंगा मुझे भी आज्ञा मिले भगवान ने मुस्कुराए आज्ञा दे दी और ऐरावत हाथी ने अपनी सुंड से आकाश गंगा के जल को सोख लिया यहां ऋषि गंगा है ना और अलकनंदा का संगम है उसी प्रकार आकाश गंगा की ये तो इंद्र का ऐरावत है अपनी सुंड से सोख करके और फिर सुंड से श्री कृष्ण पर उस आकाश गंगा के जल से जब अभिषेक किया तो एक पूरा तालाब भर गया बहुत बड़ा वो मानसी गंगा कहलाया आप जब व्रज परिक्रमा आप जब श्री गिरिराज की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो गोविंद कुंड का दर्शन करते हैं मानसी गंगा का दर्शन करते हैं राधा कुंड कृष्ण कुंड का दर्शन करते हैं ये सभी तीर्थ वहां हैं